सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं श्री सचिन पायलट साहब को, माननीय उप मुख्यमंत्री, नरेगा के बारे में, उनके विचार के बारे में। उप मुख्यमंत्री जी, आप सभी को नमस्कार। प्रेजेंटेशन में सारे आंकड़े आपको बताए ACS जी ने। दो तीन इश्यूज हैं जो मैं समझता हूं हमें फोकस करने चाहिए। पहला तो जो समय था उसका हमने चेंज किया है, सुबह 6 बजे से 1 बजे तक कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों से मांग आई कि बहुत रेड अलर्ट जारी किया है कई जिलों के अंदर, इसको हम कैसे और समय को कम कर सकते हैं। तो इस विषय को लेकर मैंने चिट्ठी लिखी है भारत सरकार को कि अगर हमें अनुमति दें टास्क कम कर वो बजाय 1 के या 11-12 बजे तक कर दें तो थोड़ा लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इस गर्मी में कोई अप्रिय घटना फील्ड में किसी के साथ हो जाए। जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने भी हम सब ने मांग रखी थी कि नरेगा की जो काम 100 दिन की लिमिट है उसको इंक्रीज करके 200 दिन हम लोग करें, ये भी भारत सरकार से मांग रखी है। और नरेगा में जो वृद्धि हुई है, आप सभी जानते हैं कि आज राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है जो नरेगा के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और ये आंकड़ा बहुत जल्द हम लोग हासिल कर पाए क्योंकि धरातल पर बहुत प्रभावी ढंग से विभाग में लोगों ने मिलकर काम किया है। और अभी जो लोग वापस आ रहे हैं जो क्वारंटाइन में हैं 14 दिन, उनका जो 14 दिन का समय है वो जॉब कार्ड साथ साथ उनका बन जाए ताकि वो क्वारंटाइन आने के बाद अपना समय ज़ाया ना करें, इस पर भी मैंने बाप को कहा है। नरेगा से बहुत ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का मौका लोगों को मिल रहा है, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आ सकती है। और राजस्थान के लिए, क्योंकि हमारा अनुभव पहले भी अच्छा रहा है नरेगा में, इस बार भी लाखों लोग और लाखों परिवार इससे फायदा ले रहे हैं। अच्छी बात ये भी है कि 83% जो काम हो रहा है, 83% काम वो इंडिविजुअल वर्क्स हो रहे हैं, तो लोग अपना भवन का निर्माण कर रहे हैं, शौचालय का निर्माण कर रहे हैं, अपने खेतों में काम कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत काम करने में लोगों को रुचि भी रहती है, अपना काम भी उनका हो रहा है, वो मन से काम भी कर रहे हैं, उसको अपना पैसा भी मिल रहा है। और 99.8% जो उनका भुगतान है पैसे का वो भी समय पर हो रहा है, क्योंकि श्रमिक को समय पर पैसा नहीं मिलेगा तो इस गंभीर हालात में वो अपना पालन पोषण नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से जीवनदान साबित हो रहा है ये नरेगा का कार्यक्रम, और विभाग ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है। और 17 अप्रैल को जब हमने लॉकडाउन के समय पूछा था कि कितने लोग काम कर रहे हैं, तो उस टाइम सिर्फ 62,000 लोग काम कर रहे थे, तो आज ये लगभग 42-47 लाख लोग काम कर रहे हैं, तो लगातार वृद्धि हो रही है। जो अप्रवासी आ रहे हैं उनके लिए जॉब कार्ड बनाने के लिए जो पहले प्रमाण पत्र की जरूरत थी उसको हमने सरल कर दिया कि सिर्फ अपना आप सेल्फ अटेस्टेड चिट्ठी लिख देंगे, उसी को प्रमाण पत्र मान के उसका जॉब कार्ड बना रहे हैं, तो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जॉब कार्ड के अंदर भी। नरेगा का और रूरल डेवलपमेंट का मुझे लगता है कि इस गर्मी में कोरोना वायरस के अंदर भी लोगों को काफ़ी संतोष है। और लेकिन अभी आने वाला जो महीना है जून का, लॉकडाउन खुलेगा, मूवमेंट बढ़ेगा, मुझे लगता है हमें बहुत ज़्यादा और सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि लोग जब एक बार बाहर निकलेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ग्रामीण विकास पर ध्यान दें, और जो नरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं उसकी संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि इसकी अपर लिमिट नहीं है। इसलिए हम पहले टारगेट दे के चलें कि 20 लाख रखेंगे, 30 लाख रखेंगे, वो ऐसा एक्ट में प्रोविजन नहीं है, ये डिमांड बेस्ड स्कीम है, जितना ज़्यादा लोग डिमांड मांगेंगे उतना हम काम दे सकते हैं। तो जब तक कारखाने और फैक्ट्री पूरी तरह नहीं खुलती हैं, जो अनस्किल्ड लेबर है उसको पूरी तरह हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो लाखों की संख्या में लोग राजस्थान आ गए और आ रहे हैं, इसलिए जो स्किल्ड के लिए अलग योजना बन रही है मैं जानता हूँ, लेकिन अनस्किल्ड लेबर को पर्याप्त मात्रा में हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नरेगा से अच्छा काम और प्रभाव पड़ा है ना सिर्फ प्रदेश के अंदर, लेकिन राजस्थान के लोगों का भी नाम इसमें अच्छा हुआ है देश भर में।